उत्तर प्रदेश के अमेठी में शनिवार रात स्मृति ईरानी के करीबी भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र सिंह स्मृति ईरानी के काफी करीब थे। सुरेंद्र सिंह की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मदद से ही स्मृति ईरानी ये बोल सकी कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट जिस बेल्ट में बीजेपी आम चुनाव के दौरान सबसे बुरे हाल में रही, उस अमेठी में अगर कमल खिल सका तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय सुरेंद्र सिंह को भी जाता है। अमेठी सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 17 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 16 बार यहां कांग्रेस ने परचम लहराया है, जबकि केवल 2 बार बीजेपी कमल खिला सकी है। 2019 की बीजेपी की इस जीत में सुरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बात अगर 2014 के आम चुनाव की करें तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी की चुनावी रणभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले उतरी थी। उस वक्त वो ये चुनाव जीत तो नहीं सकी थी, लेकिन बरौलिया गांव में उन्हें सर्वाधिक वोट हासिल हुए थे। बरौलिया गांव से मिले इन रिकॉर्ड वोटों ने सुरेंद्र सिंह को स्मृति ईरानी के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। 2014 के चुनाव में हार के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना रिश्ता जोड़े रखा। जब बरौलिया में आग लगी तो सुरेंद्र सिंह की पहल से स्मृति ईरानी गांव वालों की मदद करने पहुंची। पिछला आम चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी रही और दूसरी ओर पूर्व प्रधान भी बीजेपी के लिए वहां जमीन तैयार करते रहे। सुरेंद्र की मेहनत और बरौलिया गांव से मिले रिकॉर्ड वोटों ने स्मृति ईरानी की नज़रों में उनका कद बढ़ा दिया और इस तरह से वो स्मृति के भरोसेमंद व करीबियों में से एक हो गए। सुरेंद्र सिंह 2005 में पहली बार बरौलिया के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वो बीजेपी संगठन में जामो मंडल के अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव 2017 के पहले तक सुरेंद्र बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे। बरौलिया का प्रधान बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस गांव का विकास किया, बल्कि उन्होंने यहां की जनता से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि उसके बाद हुए हर चुनाव में सुरेंद्र ने जिसे चाहा वो गांव का प्रधान बना। यहां तक कि गांव के वर्तमान प्रधान राम प्रकाश भी सुरेंद्र के करीबी लोगों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने उन्हें जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, वहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत बेहद कम था। इसके बावजूद अपनी मेहनत व रणनीति से सुरेंद्र ने पार्टी को वहां बढ़त दिलाई। स्मृति ईरानी की मेहनत और सुरेंद्र सिंह जैसे कार्यकर्ता की बदौलत ही 2019 में बीजेपी कांग्रेस के गण में न सिर्फ कमल खिला सकी, बल्कि देश की सबसे बड़ी व पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को भी हार का स्वाद चखाने में सक्षम रही।